क्योंकि देखो जिम में हाथ डालकर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एलोन मस्क तो यही है भाई। इस चैनल पे हम रिएक्टिंग वीडियोस, प्रैंक वीडियोस और कभी कभार प्रैंक और चैलेंज भी आते हैं, कभी कभार एंटरटेन के लिए, कभी कभार म्यूजिक वीडियोस भी आती है और ब्लॉग तो हमेशा आते ही हैं। अक्षय कुमार की पता नहीं इतना क्या शौक था। ओहो ये भाई इधर सेटअप लगा के बैठे हैं आज वीडियो करने के लिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे चिनू जी और रिधिमा जी की फोटोज की तरफ। क्यों ओहो भाई तो क्या लग रही हैं, बहुत शानदार है। मतलब पुरानी फोटोज देखो और अब की फोटोज देखो यार, मतलब बहुत डिफरेंस हो गया। अगली बढ़ते हैं अगली फोटोज पे। Oh my God! It's really amazing, guys. It's really amazing. क्यों मैं overacting करता साला? Overacting की औलाद? ये क्या है इनके सर के ऊपर? What is this on head? Okay, this. What is this? ये क्या है आपके सर पे? चिनू जी क्या है? 88 की पिन लगा रखी है। Wow, देखो 88 की है नहीं फिर भी पिन लगा रखी है। Oh my God! अब देख सकते हो ये हमारे सिद्धार्थ भाई साहब को देख सकते हो अब। अबे आंखें तो ढंग से खोल लेता है, दांत कहीं जा रहे ऐसा कर करता है। और ये चिनू जी तो हमारे ऊपर 88 लगा बैठे ही रहते हैं हमेशा। और रिधिमा जी और सौरभ जी भी लुकिंग सो क्यूट यार। स्टाइल देखो वीडियो की, या अक्षय कुमार वाली स्टाइल है भाई, अक्षय कुमार वाली। यो ओ अब बारी है आपके SKV ब्रो की, जो कि देखो जिम में हाथ डालकर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एलोन मस्क तो यही है भाई। ओके और तो इसी के साथ हमारे चिनू जी भी आ भी चुकी है, तो कैमरा के सामने आ जाइए चिनू जी। और ये है हमारी प्यारी फोटो जिसमें एक बंदर झांक रहा है, आप लोग देख सकते हो इस बंदर को। ये देखिए ये बंदर तो ये मैं हूँ सॉरी, ये देखो इस बंदर को किस तरीके से झांक रहा है। ये फोटो को पूरा फोटो बिगाड़ दी इसने हमारी। चलो कब आते हैं, ये पापा जी मम्मी जी और मैं और चिनू जी। ताकि नीचे रख चिनू, कोई बीएडी कौन बन रही है, कोई इम्पोर्टेंट नाम चल रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे और अब आ रही है हमारे रिधिमा जी की। रिधिमा जी ये सब जने मुझे समझ में नहीं आता, ये सब जने इतना ही हूँ अक्षय कुमार की स्टाइल में क्यों खड़े रहते हैं यार। अब चलते हैं आगे की फोटोज की तरफ। नेक्स्ट फोटो, ओ भाई क्या कितनी शानदार फोटो है यार, मम्मी और मेरी कितनी पुरानी फोटो। कैसा था पहले यार मैं, आप लोग देख सकते हो भोला सा प्यारा सा एकदम भोला सा बच्चा था यार मैं पहले। चलते हैं अगली फोटो की तरफ। सोरी डार्लिंग, सोरी डार्लिंग, ये क्या भाई, ये क्या है मेरे सामने, ये कौन है, ये बॉयकट बाल वाले कौन है? ये देख इनको गुलाब को, इस गुलाब से इतना प्रेम हो गया है। वो जेठालाल उधर गुलाबों से दूर जाने की कोशिश कर रहा है और तुम लोग गुलाब के पास आने। अगली फोटो, ओहो ताई जी और चिनू जी की, कितने भोले लग रहे हैं यार। असल में ये लोग हैं नहीं बट फोटोज में हम अक्सर मेरे परिवार वाले दिखाते हैं कि ये लोग फोटो बहुत ज़्यादा सिंपल और भोले हैं। तो चलते हैं आगे ये फोटो, ओहो यहाँ पर प्रेम मिलाप हो रहा है चिनू जी और हमारे रिधिमा जी का। चिनू जी आपको बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फोटो किसकी है? फोटो चिनू जी की और तो अभी देखते हैं ये लो किसी और के घर में जाकर बच्चा लेकर बैठी हैं, खुद बच्ची हैं पर फिर भी बच्चा लेकर बैठी हैं। वाओ इट्स क्रेजी समथिंग। अगली फोटो उस पे चलते हैं। चिनू जी फोन तो इनके पास नकली है, यू कैन सी दिस, ओ स्पाइडरमैन वाला, वो भी किसी और का चुरा है। गजब बेइज्जती ये कौन है भाई? ये देखो यहाँ ऊपर कॉलर पे तो लगा रखा है पेन और वाह 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 क्या सीन है, मतलब ये चेहरा क्या इसका, मतलब ये क्या लग रहा हूँ मैं यार, पहले कितना अच्छा लगता था मैं। और ये चिनू इतनी कुपोषित लड़की मैंने कभी नहीं देखी। और देखो मैंने कहा था ना ये फोन चुरा के लाती है, पिछली फोटो में ब्लैक वाला फोन और अब देखो पिंक वाला, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चोर है। और ये देखिए हम दोनों भाई बहनों को, सॉरी भाई भाई को, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, वाओ वाओ वाओ। और ये हम सब जने यहाँ पर
चिनू जी, मम्मी जी, रिद्धिमा जी, सौरभ जी और सिद्धू जी, मतलब मैं सिद्धार्थ जी। आप देखो ये मुझे, मेरे परिवार में चारों जिने, हम चारों जिने सिर्फ अक्षय कुमार, अक्षय कुमार की पता नहीं इतना क्या शौक था। ओहो ये मतलब ये देखो दांत पता नहीं कहीं बाहर आ रहे हैं, इतना इतना क्या मतलब 150 रुपया देगा। सही बात है। और रिद्धिमा जी तो इतना यूं, ये हम चारों जने की फोटोज, ये देख इसमें कितना मैं शानदार लग रहा हूँ गाइस। बाल देखे मेरे, अभी देख सकते हो अभी कितने यूं, ये देखो कितने बड़े हो गए, और उस समय कितने थे, बहुत छोटे छोटे बाल थे उस समय तो, चंपू जैसे। और ये मतलब इतने मतलब कुपोषित कैसे थे यार, हम घर वाले खिलाते नहीं थे क्या? और अब देखो तीनू जी को प्यारी समझ गई। और ये देखो हम चारों फास्ट थे, मतलब मैं मेरे चेहरा देखो कितना गोलू मोलू सा है, इतना गोलू मोलू, हाथी जैसा मुंह हो गया। और सौरभ जी तो पता नहीं कहीं देख रहे ऊपर आसमान में, आसमान में। और ये रिद्धिमा जी ऊपर आसमान में, ये बस तीनू जी सामने देख रही, ताई जी ऊपर, ताई जी हम सबको देख रही है इधर और आगे फोटोज में। ओ हनुमान जी इस फोटो में तो भाई हद कर दिया हमारे सिद्धार्थ जी ने, हनुमान जी बनकर बैठे हैं। यस वाओ, नाउ आगे फोटो बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जब मुझे याद है जब मैंने पहली बार कैमरा लिया था, ये उस टाइम की फोटो, जब लेंस खराब था बेसिकली, और जो कैमरा यहाँ ऊपर देख सकते हो ये, और देख सकते हो कैसी फोटो आई थी, तो उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था कि यार किस तरीके से मैंने कैमरा ले लिया और फोटोज अच्छी नहीं आ रही है। ये देखो बहुत ज़्यादा ब्लर फोटोज थी इसमें। और ये चिन्नू जी तो हमेशा मतलब इनके तो पोज ही, भाई पूछो ही मत, तुम पूछो ही मत, इनके तो पोज ही अलग अलग स्टाइल में। ओह अब देखो अब किसी स्टाइल में खड़ा है, अलग अलग स्टाइल में। अरे फोटो आप देखोगे नहीं मानोगे जी, मैं तो मैंने बहुत कम ली है फोटोज। तो इस चैनल पे हम रिएक्टिंग वीडियोस, प्रैंक वीडियोस, और कभी कभार प्रैंक और चैलेंज भी आते हैं, कभी कभार एंटरटेन के लिए, कभी कभार म्यूजिक वीडियोस भी आती है, और ब्लॉग तो हमेशा आते ही हैं, और शॉर्ट वीडियोस भी आती है कॉमेडी के लिए। तो ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, मतलब ये रेड वाला बटन दबाकर बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो लाइक जरूर से करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। I got broads in the...